कन्या विवाह विकास सोसाइटी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्था के सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि संस्था अपने उद्देश्य बाल विवाह दहेज प्रथा की बहिष्कार की मुहिम को अग्रसित कर दिसंबर 6 को झारखंड के गढ़वा में 151 कन्याओं की सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू कन्याओं को उनके रीति रिवाज एवं मुस्लिम कन्याओं को निकाह पढ़ाकर राज्य के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर व प्रशासनिक अधिकारी एवं गणमान्य समाज के लोगों के समक्ष विवाह संपन्न किया गया, जिसमें सभी नवनिवाहित कन्याओं को संस्था द्वारा आशीर्वाद स्वरूप उनके गृहस्थी जीवन में उपयोग आने वाली वस्तु ट्रंक गोदरेज पलंग कुकर तोशक रजाई बेडशीट बर्तन सेट वर वधु के वस्त्र सिंगार कई सामान देकर उन्हें विदा करने का कार्य किया गया। सभी कन्याओं के माता पिता को संस्था के द्वारा कहा गया कि बेटियों को बोझ न समझें, क्योंकि बेटियां ही समाज के निर्माण करता है और संस्था उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि संस्था का 13वां स्थापना दिवस 17 दिसंबर को प्रधान कार्यालय गया में बैरागी रोड में मनाया जाएगा, जिसमें कई समाजसेवी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होंगे। आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के प्रधान कार्यालय गया में एक प्रेस वार्ता रखा गया, जिसमें कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा अभी 6 दिसंबर 2023 को झारखंड राज्य के गढ़वा के धरती पे 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जो काफ़ी ऐतिहासिक कार्यक्रम उसको दिया गया नाम पूरे गढ़वा शहर वासियों के द्वारा, वहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा, जनता तक के द्वारा दिया गया कि गढ़वा में यह कार्यक्रम बहुत बड़ा ऐतिहासिक हुआ है, जो पहली बार विकास माली ने इतिहास रचा के चले गए। इसीलिए मैं इन्हीं सभी उद्देश्यों से बहुत अच्छा लगा जो गढ़वा में इस तरह का इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम और बहुत कठिनाई का सामना करके करना पड़ा, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पूरे गढ़वा वासियों को, झारखंड वासियों को, हमारे प्रधान कार्यालय से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पूरे भारत के देश के लोग हों, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और प्यार और ऊपर वालों के आशीर्वाद से आज यह कार्यक्रम ऐतिहासिक करने लायक विकास कुमार वाली रहे। और कल 17 दिसंबर 2023 है, जिसमें कि हमारे संस्था का 13वीं वर्षगांठ है, जिसमें मैं तमाम आप मीडिया चैनल बंधु के माध्यम से पूरे प्रतिनिधि तथा शहरवासियों को मैं आमंत्रण करता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह बना रहे, ताकि हमारी संस्था दहेज प्रथा और बाल विवाह और भ्रूण हत्या को जमीनी स्तर पर समाप्त कर सके। धन्यवाद। काफ़ी अड़चने भी आती है इस तरह के सोशल काम करने में, किस तरह की अड़चने आ रही है जैसे आप? अड़चने फिलहाल पहले प्रशासन के द्वारा आता था, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब जब सब हमारे कार्य को देखते हुए, कागजात को देखते हुए जब सपोर्ट होने लगे, तो बहुत सारे नकल करके लोग मार्केट में फर्जी करने का काम कर रहे हैं। अब उन लोगों के द्वारा हमको थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन हम लोगों ने उनके बारे में डिस्कशन देता हूँ कि नहीं, वो हमारी संस्थाएँ नहीं हैं और वो इस तरह का फर्जी का काम कर रहे हैं, तो स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन को सपोर्ट करें, उनको सूचना दें और उसके बाद उन पर कार्रवाई कराएं, ताकि ऐसे फर्जी वालों के प्रति कोई कार्रवाई अच्छे से हो सके और तत्काल हो सके।